60 दिन बाद अब हमारे गुले दाऊदी की सीडलिंग काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। 60 दिन पहले हमने इसको बीज से लगाया था, यानी सीड से लगाया था, और सीडलिंग करने के बाद हमने इसको ट्रांसप्लांट किया था इस डिस्पोजल कप के अंदर। और इस डिस्पोजल कप के अंदर इसको 1 महीना हो चुका है। अब इस डिस्पोजल कप के बाद में हम इसको इस बड़ी बाल्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे, जो 24 इंच की बाल्टी है। तो वन बाय वन हम इन दोनों प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए सीडलिंग को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसमें भी इसकी रूट बाउंड हो रही हैं। एक सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के बाद अब हम सेकेंड वाले सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करेंगे। इसकी भी रूट्स बाउंड हो रही हैं नीचे से, यानी इसको बड़े गमले की ज़रूरत थी। इसको हम आराम से लगा देंगे। और चारों तरफ सोइल से कवर कर देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सोइल ये काफ़ी पहले से ही गीली है। हमने हमारी सीडलिंग को सीडलिंग ट्रे से डिस्पोजल कप के अंदर शिफ्ट किया, और डिस्पोजल कप के बाद में हमने इस बकेट के अंदर शिफ्ट किया। इस बकेट के अंदर है बालू रेत और कंपोस्ट का मिक्सर, जिसमें बालू रेत है 80% और कंपोस्ट है 20%, क्योंकि गुले दाऊदी को काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है। तो हम और वेट करेंगे इसके बड़े होने का। 120 दिन बाद अब हमारे गुले दाऊदी की सीडलिंग काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और ये एक पौधा बन चुकी है, और इसमें बर्ड्स भी काफ़ी लग चुके हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। गुले दाऊदी की ये वाली प्रजाति छोटे फूलों की है, और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी संख्या में आएंगे, और दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं ये फ्लावर्स। हालांकि ये छोटे शेप में होते हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। 120 दिन पहले हमने इसको सीड से ग्रो किया था, उसके बाद में हमने इसको इस बाल्टी के अंदर ट्रांसप्लांट किया था। और ट्रांसप्लांट करने के बाद अब ये इसका अपडेट है। तो 120 दिन में इसने ये सफ़र तय किया है। तो ये अपडेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपने बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।